वेलकम टू एजे टुडे। दोस्तों, जैसा हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू काउंट ट्राइंगल्स, जैसे कि दोस्तों आपने मेरी पहली और दूसरी वीडियोस में देखा कि मैंने आपको टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स बताए थे कि हम क्या करेंगे, ट्राइंगल्स को किस तरीके से गिनेंगे। तो देखो दोस्तों, आज हमारे पास है आपका टाइप 4 टाइप के ट्राइंगल्स की। हम क्या करते हैं, हमारे पास कोई स्क्वायर दिया होगा और हम क्या करेंगे उसके ट्राइंगल्स को कैसे गिनेंगे। देखो दोस्तों, अगर सपोज करो मेरे पास फिगर आपके पास ऐसी है और इसके पास सिर्फ एक डायगोनल है, तो जैसा दोस्तों आपको इसमें तो आराम से पता चल रहा है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, आपके पास 2 ट्राइंगल्स हैं। दोस्तों ऐसे ही धीरे धीरे क्या होगा, आपके डायगोनल्स बढ़ते जाएंगे और हमें पता करना पड़ेगा कि जो स्क्वायर है उसमें कितने ट्राइंगल्स होंगे। जैसे दोस्तों हमारे पास अगर कोई फिगर ये भी दे दी जाए, तो इसमें हम कैसे पता करेंगे कि कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो दोस्तों देखो, इसको गिनने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं कितने हमारे पास खाने हैं, 1 खाना 2 3 और 4। देखो दोस्तों हमारे पास 4 खाने हैं, और अब हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा खाना होता है 4 वाला, तो 4 को क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 4 2 हमेशा क्या होता है 8 होता है। तो हमारे पास इसमें कितने, इस फिगर में कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे, हमारे पास 8 ट्राइंगल हो जाएंगे। ऐसी दोस्तों देखो, हमारे पास अगर सपोज करो आपके पास ऐसी कोई फिगर दी गई है, तो इसमें अगर हमें काउंटिंग करनी पड़ेगी तो कैसे काउंट करेंगे कि इतने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो हमेशा देखो दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो देखो दोस्तों, सब मैंने कहा था सबसे बड़े नंबर को देखते हैं, सबसे बड़ा नंबर 8 है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 2 से। तो 8 2 16, तो हमारे पास इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे दोस्तों, हमारे पास 16 ट्राइंगल हो जाएंगे। जैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ इसकी, इस फिगर की बात करूँ, तो इसमें कितने आपके पास ट्राइंगल्स हो जाएंगे। तो देखो दोस्तों, जैसे मैंने कहा है कि आप सबसे पहले नंबरिंग करोगे 1 2 3 4 5 और 6। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले क्या है, आपके सबसे बड़ा जो नंबर है वो आपका 6 है, और मैंने कहा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आप हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कितना हो जाएगा 6 2 12। तो दोस्तों इसमें कितने ट्राइंगल हो जाएंगे आपके पास, आपके 12 ट्राइंगल हो जाएंगे। देखो दोस्तों, ये वाले क्वेश्चंस हर एग्जाम में आते हैं ट्राइंगल्स गिनने के लिए, कहीं स्क्वायर भी आते हैं, स्क्वायर भी आते हैं, और कहीं आपके रेक्टेंगल भी आते हैं। देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन में ये ट्राइंगल्स की ट्रिक नहीं लगती, ये उन्हीं क्वेश्चनों में लगेगी जो मैं आपको टाइप बताऊंगा। इससे पहले भी आपका फर्स्ट टाइप है, सेकंड टाइप है, थर्ड टाइप है, और आपका ये वाला 4th टाइप है। तो दोस्तों जिसने इससे पहले वीडियोस नहीं देखी है, तो वो आप वाले टाइप भी सीख सकता है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा है, इन वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो आप मेरी नई वीडियोस आए। अगर आपको किसी टॉपिक पे लेक्चर चाहिए, तो आप कमेंट के द्वारा भी मुझे बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है और किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। ओके, थैंक यू दोस्तों।